आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जब बात करते हैं गंगा की तो शिवजी की जटा याद आ जाती है। अपनी जटा में ही इतनी पवित्र नदी को बांध लिया और खुद वैरागी बाबा सबका भला करने निकले तो गंगा बहती रही और बाबा के दोनों हाथ खुले रहे सबकी मदद करने के लिए, विष भी पी लिया दूसरों की भलाई के लिए। ऐसे बाबा कहाँ मिलेंगे, न देवताओं को, न दानवों को, न हमको, न आपको। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की दे रही हूँ मंगलमय बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 25 दिसंबर 2023 मेरी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू। आज चंद्रमा उच्च का है, वृषभ राशि में है। ये बड़ी खुशी की बात है कि चंद्र के पूर्ण असर आपको मिलेंगे। जिन लोगों के लिए चंद्र कारक है उनको दुगना अच्छा असर है, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र भी है रात्रि 9:38 तक रोहिणी। पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है उत्तर रात्रि 5:46 पर। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए थे 24 तारीख को, क्या असर हुआ शुक्र के वृश्चिक राशि में जाने का। मेष से लेके मीन राशि पर प्रथम चरण में मेष राशि। शुक्र आपके अष्टम भाव में चले गए, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें। वैसे बता दूं कि लस्ट बढ़ेगी, कामुकता बढ़ेगी, तो अपने पर कंट्रोल रखें, अपने ससुराल पक्ष के साथ बना के रखें। आप बिजनेस कर सकते हैं बड़ा मीडिया आर्ट्स से रिलेटेड अपने व्यवसायिक पार्टनर और ससुराल पक्ष के साथ। वृषभ राशि। लग्नेशाएं शुक्र सन्मुख आकर आपको पूर्ण रूप से देखते हैं, कॉन्फिडेंस गेन होगा, पर्सनैलिटी सुंदर होगी, साथ साथ आप अपने मीडिया से रिलेटेड काम कर पाएंगे, आर्ट से रिलेटेड भी। मिथुन राशि। बहुत खुशी की खबर नहीं होती षष्ठ में शुक्र का जाना, क्योंकि कन्या का शुक्र जो है नीच का माना गया है, लेकिन यहाँ पर बुरा असर नहीं दे रहा, क्योंकि सन्मुख अपनी राशि को देख रहा है द्वादश भाव में, तो आप यात्रा विदेश की कर सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, प्रेम संबंध हो सकते हैं। कर्क राशि। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब धन आएगा, पैसा आएगा, केसेस विवाद या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्यार से सल्टेंगी, बच्चे रोमांटिक रहेंगे और आप भी। सिंह राशि। आपके लिए माता पक्ष से आपको सुख मिलेंगे, घर में रेनोवेशन, बिजनेस अगर क्रिएटिविटी आर्ट मीडिया का करते हैं तो उसमें फायदा, घर में सुख सुविधा की रेल चेल। कन्या राशि। आपके कई सारे काम यात्राओं में जाएंगे तो हो जाएंगे, मनोरंजन भी मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ मीठे संबंध रहेंगे, धन आएगा जो आपके परिवार में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तुला राशि। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, व्यवसाय बढ़ेगा, आपके कुछ काम नौकरी पेशा से रिलेटेड या व्यवसाय से रिलेटेड जो ससुराल पक्ष से जुड़े हुए तो वो भी हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन व्यवसायिक पार्टनर के साथ बिजनेस कर सकते हैं, परिवार में खुशी आनंद। वृश्चिक राशि। आप रोमांटिक रहेंगे, मजा आएगा आपको जिंदगी जीने का, और साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत दिखेगी, आपके वैवाहिक जीवन के जोड़े के साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं, व्यवसायिक पार्टनर के साथ क्रिएटिविटी आर्ट और मीडिया से रिलेटेड काम कर सकते हैं। धनु राशि। आपके लिए बड़े अच्छे अवसर आएंगे विदेश से रिलेटेड काम काज करने के लिए, और आपके कुछ काम आपके प्रेमी के साथ मिलकर भी होंगे, खर्चे खुद पर करेंगे आप और एंजॉय करेंगे अपनी स्थिति। मकर राशि। कुछ काम ऐसे हैं आपके जो आप चाहते थे कि केसेस और विवाद सुलट जाएं, याद रखें बुद्धिमानी से और प्यार से और चतुराई से भी खत्म कर सकते हैं, बड़े आराम से खत्म हो सकते हैं, और साथ साथ उनमें धन भी आ सकता है जो पहले काम आपने किया था उसका। कुंभ राशि। आपके लिए अच्छी खबर है कि आपका मीडिया आर्ट और क्रिएटिविटी
से रिलेटेड काम बढ़ेगा। घर में सुख सुविधा रहेगी। माता पक्ष से सहयोग और वाहन और प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मीन राशि, अच्छी खबर ये है कि आप भाग्योदयकारी संदेश से मीडिया आर्ट और क्रिएटिविटी से रिलेटेड मिलेंगे। आपकी तबीयत पहले से अच्छी होगी। कुछ व्यवसाय बढ़ाया था तो उससे धन आएगा। बड़े भाई बहनों से फायदा। त्योहार किसी भी धर्मों के हों लेकिन कुछ न कुछ सिखाते हैं हमें, और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाना चाहिए ताकि आपके आसपास आनंद फैले। और आनंद ही शुक्र का प्रतीक है। और शुक्र चले गए वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि में जाने के बाद ये सबसे ज़्यादा फायदा दे रहे हैं वृषभ राशि को, क्योंकि वृषभ राशि पर इनकी संपूर्ण दृष्टि है। लग्नेश है इनके, और भी कई राशियों को फायदा दे रहे हैं। उनमें से कुछ राशियाँ हैं जैसे मेष राशि, इनके लिए धन आएगा। कन्या राशि, इनके कामकाज बढ़ेंगे। और सभी राशियों को इसका कुछ न कुछ फायदा है। मकर राशि वालों के लिए माइंड कूल रहेगा, और साथ साथ मीन राशि वालों के लिए यात्रा सफल होगी। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र के क्या फायदे होंगे वृश्चिक राशि में जाने के बाद। आइए गुरु का और उपाय बताती हूँ। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत ही सात्विक आध्यात्मिक है। अपने घर में अगर ईशान कोने में आप किसी मंदिर की स्थापना करते हैं, नियम से आरती साफ सफाई करते हैं उसकी, और वो कोना साफ रखते हैं, कुछ हैवी नहीं रखते, तो आपके घर धन भी आएगा, लक्ष्मी भी आएगी, प्रभु भी आएंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। गणेश जायसवाल जी जौनपुर से लिखते हैं, मेरा घर हो पाएगा कि नहीं मुंबई में, नंबर दिया है 3। अब देखिए, रहते हैं जौनपुर में और चाहते हैं घर मुंबई में, तो या तो आपके पास उतना धन है तो आप ले सकते हैं, और अगर धन नहीं है तो आपका जो नंबर दिया है आपने उसके अनुसार आप शिव जी की आराधना करें। थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करना आज ही से शुरू कर दें, आपके लिए अच्छा समय आ जाएगा 1 से 2 साल में। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।